गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इससे पहले पहले वाले टॉपिक्स के अंदर अपन ने बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करा था कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जो कि अपनी किसी भी जो कि ह्यूमन की जो अवेबिलिटी जो कि किसी भी चीज़ को फुलफिल को नीड को सेटिस्फाई करता है उसे रिसोर्स कहते हैं। अपन ने जाना था, अब उसके अंदर ही अपन ने डिस्कस करा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपन ने बहुत सारे इसमें डिस्कस करा था, जैसे अवेलेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करा और अपन ने बहुत सारे इसमें करा, जैसे कि यूसेज के इसमें अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अपन जैसे रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, इनऑक्जॉस्टिबल सोर्स और इन सब के बारे में अपन डिस्कस करा था। अब वैसे ही अपन एक और क्लासिफिकेशन के इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के तो बात करेंगे, जो कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग जो विभाजन में बांटा हुआ है उसके हिसाब से अपन उसके लिए बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज। इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो इजीली पूरे अपने अर्थ के अंदर अपन को मिल जाता है, इजीली अपने आसपास में है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी पे ही है, अपन को इजीली अवेलेबल है, अपन आराम से सांस ले सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ऑक्सीजन भी एक अपने लिए एक रिसोर्स ही है, जिसके कारण अभी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है, फंक्शन में है, तो वो भी अपना एक मतलब देखा जाए तो मतलब एक रिसोर्स ही हुआ है। तो ऑक्सीजन एक मतलब ये है कि इजीली अवेलेबल है, जो कि हर जगह पूरी पृथ्वी पे इजीली अपन को आराम से अवेलेबल हो जाता है, उसको इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब बात करते हैं कॉमनली अवेलेबल रिसोर्सेज। कॉमनली अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब जो कॉमनली अपन को भी मतलब धरती में मिलता है, जैसे कि कॉमनली मतलब जैसे कि अपन एग्जांपल के लिए बात कर रहे थे सॉइल, मिट्टी। मिट्टी जो है अपन को लगभग लगभग हर जगह मिलती है धरती के, इसमें लैंड मतलब अपने जमीन वो भी लगभग लगभग हर जगह अवेलेबल है। सो ये दूसरा पॉइंट था अपने इसमें कि जो कॉमनली अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पे। थर्ड होता है रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ फ्यू प्लेसेस। एग्जाम्पल के लिए अपन ने कोल, गोल्ड ले लिया। अब जो कि ऐसे रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ फ्यू प्लेसेस मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत ही मतलब केवल बहुत कम प्लेसेस में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हर ही पूरे इसमें मतलब भरे पड़े हुए हर जगह, ऐसा नहीं है, वो केवल कुछ कुछ प्लेसेस में ही पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं कोल, गोल्ड का कोयला भी जैसे कुछ प्लेसेस में कुछ जगह पर ही पाया जाता है अपने पृथ्वी के इसमें। ऐसे ही गोल्ड भी अपने इसमें कुछ जगह ही पाया जाता है, जैसे गोल्ड अपने जैसे अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। बाकी के पूरे पृथ्वी या कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत कम प्लेस ऐसी जहाँ पे गोल्ड पाया जाता है। तो ये क्या है कि ये रेयरली रिसोर्सेज में आते हैं, रेयर रिसोर्सेज में आते हैं, जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होते, अपने को ईजिली मिलते नहीं हर जगह, तो वो होता है रेयरली रिसोर्सेज। अब बात करते हैं सिंगल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट वंस और टू प्लेस इन द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल क्रायोलाइट मेटल। अब ऐसे रिसोर्सेज जो कि पूरे पृथ्वी के अंदर केवल एक दो जगह ही पाए जाते हैं, केवल एक दो जगह होंगे वो भी मुश्किल से। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया हुआ है कमर्शियल क्रायोलाइट मेटल, एक मेटल आता है जो एक स्पेशल टाइप का मेटल है, जो कि पूरी पृथ्वी के अंदर केवल एक या दो जगह ही पाया जाता है मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ये पाया जाता है ये ग्रीनलैंड में ही मिलता है, केवल ग्रीनलैंड एक कंट्री है जहाँ पे ये जो मेटल है कमर्शियल क्रायोलाइट मेटल ये अपन को केवल ग्रीनलैंड में ही देखने को मिलता है, वहीं पर ही मिलता है ये। तो ये सिंगल रिसोर्स है, मतलब केवल एक दो जगह ही है, बस लिमिटेड है अपने पास है, बहुत ज़्यादा और केवल एक दो जगह ही मिलता है। सो ये अपन ने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अलग अलग जो विभाजन हुए हुए उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, मतलब कि कैसे कि जो अपन को मिलते हैं जो इजीली अवेलेबल है, कॉमनली अवेलेबल है, रेयरली अवेलेबल है, सिंगल सोर्स, अपन ने इन सब केस में डिस्कस करा। अब बात करते हैं अपन आखिरी केस में जो होता है कि ऐसे बहुत सारे होते हैं जैसे यूजेस के ऊपर भी होता है, जैसे कि यूजेस जो होती है जैसे कि किसी का यूज़ कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है, ऐसे यूजेस के ऊपर भी इसका क्लासिफिकेशन है। सो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अगर कोशिश मतलब करेंगे अपन उसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर। सो ये जो टॉपिक है ये यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर टुडे।